है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई बहुत मूड थोड़ा ऑफ ही है, क्योंकि बोलो ही मत भाई। एक्चुअली कल मैं उससे बात किया था, मेरा जो भाई, आप लोग सभी जानते हो, जिसके साथ मैं राइड करता हूँ, मेरा जीत भाई जो है, जिसके पास जो ड्यूक 200 है, जो मेरे ब्लॉग में कई बार आया है। तो क्या है कि इंसिडेंट कल हुआ था कि सुबह में जब फ़ोन किया, मैं एक्चुअली कल भी फ़ोन किया था, वो बोला नहीं डर के मामले में। आज एक्चुअली रिवॉल्यूशन का एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन हुआ था, मीन्स कोलाघाट का उस साइड में। मैं सोचा कि वो भी गया है, इसलिए मैं फ़ोन किया सुबह में। तो बोला दादा मैं तो नहीं गया। तो मैं क्यों नहीं गया? तो बोला कि दादा मेरा कल एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने क्या एक्सीडेंट हो गया? तो कैसे एक्सीडेंट हो गया? तो इंसिडेंट था, वो मेरे को डिस्क्रिप्शन दिया क्या है। वो जा रहा था किस काम के मामले में, तो जा रहा था हाजरा मोड़ के सामने का ही कौन सा गली से एक टैक्सी था। टैक्सी के बगल से एक एफजी लेकर एक बंदा मीन छत से निकल गया, मीन अचानक वो आ गया और वो लड़का आके पूरा मार दिया उसको। उसका उसके बाद उसके सामने हैंडल फैंडल में लगा बहुत। तो सामने वो सर्जन था, जैसे वो बोला सामने सर्जन था, तो सर्जन पकड़ा उस लड़के को, बहुत सारा केस फेस गया। तो उसको भी बोला कि तुम घर जा सकते हो क्या? तो बोला कि नहीं ठीक है दादा सर, मैं जा सकता हूँ, मेरा तो वैसा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट हुआ है, मीन्स मेजर कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा ये उंगली कट गया है, वही बात है। तो जैसे गया घर जाके बोले हाथ पूरा एकदम सेंसलेस के माफिक हो गया हाथ। तो फिर वो गया तो बोला कि जब ये जो उंगली है और उसके ये दो उंगली पूरा एकदम चला गया, मीन्स क्रैक हो गया। तो अभी बैंडेज देखा, पूरा उंगली टूट गया, पूरा बैंडेज मैंने लगाया है, मैं क्लिप लगाया है, बहुत बुरा लग रहा है भाई। क्या बोले, छपरी लोग तो गलती है ही, प्लस हम लोग कई ग्लव्स नहीं पहनते ना, तो क्या ग्लास का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो ऐसे सिचुएशन में मालूम पड़ता है। ग्लास अगर वो पहनता तो ज़रूर ये हादसा नहीं हो जाता। तो मैं तो पहले सोचा कि हाथ मत दूँ, वो पहले ही बोला दादा मेरा उंगली टूट गया। मैं कैसे हुआ, मैं सोचा कि होता है ना जब चेन वॉश करते उंगली कट जाता है, ऐसा बहुत सिचुएशन हुआ है कोई, मैं सोचा। फिर ये कांड हुआ, वो मेरे को बोला, तो बहुत मीन्स क्या ही बोलूँ भाई, भाई मैं भाई के माफ़ी की है, बहुत दुख लग रहा है, इसलिए जा रहा हूँ भाई। मीन्स क्या उसके मुंह से ही आप लोगों को सुनाते हैं क्या हुआ है, क्या मीन्स क्या झमेला, एक्चुअल सिचुएशन जो आदमी फेस करते हैं ना, वही एक्चुअली बोल सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं तो जब उससे सुना हूँ वही आप लोगों को बोला है। ऐसा ही होता है भाई, जब अपना किसी का होता है ना कुछ, बहुत मीन्स टेंशन में पड़ जाते हैं। तो चलो भाई से मिलते हैं और देखते हैं। भाई मेरा बैक का व्हील जो है ना भाई, पूरा स्लिप हो रहा है बाद में, जब भी इंस्टेंट थ्रॉटल अप कर रहा हूँ भाई, व्हील स्लिप हो रहा है भाई। जा रहे थे ऑपोजिट साइड से, उबर एक क्रॉस कर रहा था और वहाँ पे एक एफजेड वाला कहाँ से आ गया भाई, ऐसा कट मारा, वो उबर वाला मेरे को दिखा ही नहीं। छपरी था ना वो तो छपरी था, डायरेक्टली मेरा हेड टू हेड सामने हो गया था। फिर तो मेरे भाई देखो भाई, ऐसा मीन्स कुछ लोग ऐसा चलाते हैं, उसके लिए क्या हालत हो गया पूरा, उसका पूरा उंगली टूट गया। और ये रहा एक्सरे रिपोर्ट भाई, देख सकते हो भाई, पूरा उंगली क्रैक हो गया, फाइन क्रैक हो गया पूरा, तो कंप्लीट बेड रेस्ट है पूरा। और उसके मैंने उससे पूरा बात सुनते हैं क्या हुआ है। तो वो मेरा पूरा सामने आ गया, वो ड्राइवर को भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 50-60 के आसपास में मेरा स्पीड था। तो उस टाइम वो सामने आ गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लेफ्ट मैंने ऐसे कट लिया। उससे क्या हुआ, गाड़ी का हेड टू हेड पोजीशन तो यार निकल गया, पर मेरा राइट हैंडल बार नहीं निकला, और वो गाड़ी जो फोर व्हीलर था वो पूरा राइट साइड को कटा दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है, पर उसका मिरर नहीं लगा, मतलब मिरर बाहर नहीं आया, तो उसका मिरर और मेरा राइट का हैंडल। तो तुम कुछ बोला नहीं उस तक, कोई सार्जेंट फार्जेंट नहीं था? ना, सार्जेंट उसको पकड़ लिया है, मेरा गाड़ी उसका गाड़ी का। देखो गाइस क्या हालत हो गया मेरा भाई का, भाई उसका मिरर पूरा क्रश हो गया, पर मेरा हैंडल बार लग कर पूरा, पर मेरा गाड़ी नहीं गिरा। उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा उंगली ऐसे फूल गया, मतलब ऐसे मोटा मोटा फूल गया था उस टाइम, तो मैंने उससे कुछ सोचा ही नहीं था। तो पुलिस वाला आके बोले कि तुम जा पाओगे घर पे, ठीक है जा पाऊंगा। कुछ देर बाद गाइस मतलब मेरा उंगली जो है सारा पूरा एकदम, मतलब
उसको क्या बोलता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ, मींस पूरा सुन हो गया, पूरा सुन हो गया था, मतलब कोई कुछ फील आ ही नहीं रहा है। तो उस टाइम मैं आस पास में था शिशु मंदिर, उस टाइम वहाँ पे क्या। तो चलो भाई तुम सेफ हो, उतना ज्यादा कुछ लगा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों का इस दिखाते हो क्या हुआ है, देखो ये पूरा क्रैक हो गया है, ठीक है। तो ये मतलब ठीक होने में एक दिन, देखो यहाँ पर पूरा कट गया है, ये उंगली बच गया है और ये उंगली पूरा क्रैक हो गया। अभी दोनों हाथ में फर्क देख सकते हो यार, बोलो बहुत फुला हुआ है, मतलब ओवर बल्कि है। तो धीरे से चलाओ भाई, और कुछ नहीं, अच्छे तरीके से चलाओ, सेफली चलाओ। और ये इस इंसिडेंट में तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अगर वो बंदा लोग नहीं आता तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। वो काट मारा इसलिए तुम बचाने के लिए, अगर तुम स्ट्रेट जाते पूरा टैक्सी में घुस जाते पूरा, तो वो बचने के लिए तुम सेफ एकदम भाई। उसके वजह से यार कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अभी सेफली राइड करना ही चाहिए। अभी मेरा साथ हुआ है, दूसरा दिन कोई दूसरा किसी के साथ हो सकता है। वीडियो किया जस्ट तुम लोगों को मैंने दिखा रहा हूँ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर राइडर का कोई गलती नहीं। सब बोलता है कि राइडर का गलती है, यहाँ पर राइडर का कोई गलती नहीं, सिर्फ छपरी राइडर के लिए ये सब हो गया पूरा एकदम, पूरा बहुत मैंने बड़ा दुर्घटना से बचा। कुछ हो गया गाइस, थ्रॉटल भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, कोई बात नहीं है, और सेफली राइड करो, और कुछ नहीं तो हो जाएगा, 26 में तबाही होगा पूरा। चलो गाइस मिलते हैं मोटरबाइक सेटअप पे, चलो। तो गाइस लेट्स निकल चुका हूँ उस घर से, तो गाइस चलो घर चलते। तो थोड़ा देख रेख लिया उसको और अभी जाता है घर। तो गाइस तुम लोग को एक ही एडवाइस है भाई, जैसे देखा भाई हर टाइम राइडर का गलती नहीं होता है, और अगर वो ठीक चला, अगर तुम लोग ठीक चलाओगे तो भी कोई तुम लोग का गलती नहीं है, दूसरा आदमी आकर मार देगा। तो भाई सेफली राइड करो, जो मैं बोलता हूँ भाई इसलिए बोलता हूँ, सेफली राइड करो, और हो सके धीरे से चलाओ, इस डेंस पॉपुलेटेड एरिया में धीरे से चलाओ। तो भाई सेफली राइड करो यही बोलता हूँ मैं, और ये मेरा ब्लॉग का मोटो है, सेफली राइड करो, धीरे से राइड करो, और कुछ नहीं है। चलो गाइस ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ब्लॉग को करते यहीं पर ही एंड। टिल देन ड्राइव से वेयर हेलमेट, दिस इज ऑन साइनिंग ऑफ एंड स्टे वॉचिंग साधारण ब्लॉगर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।